रैम का फुल फॉर्म होता है आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, तो वो उसके लिए आप यहाँ से चेक करेंगे जिस पीसी से। अगर आपको स्टोरेज चेक करना है तब भी आप जिस पीसी से करेंगे, अगर आपको रैम चेक करनी है तब भी आप जिस पीसी से ही करेंगे। ठीक है, आपको रैम चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन आपको क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज पर जाकर क्लिक कर दो तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आना है। यहाँ पे आपको बता रहा है, लिखा हुआ इंस्टॉल मेमोरी, क्या लिखा है, रैम। ठीक है, तो यहाँ पे रैम क्या बता रहा है, रैम क्या क्या लिखा हुआ है, 4 GB, 4.00 मतलब 4 GB है, इसमें दो रैम लगी है, 2 2 GB की 4 GB। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, 6 GB भी हो सकती है, 8 GB भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अगर नॉर्मली 4 GB है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर स्पीड भी बात करता है। अगर कम होती रैम तो जैसे कि आपने इसको क्लोज किया, अपन ने क्लोज किया तुरंत हो गया क्लोज, लेकिन अगर रैंक कम है तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्लोज पर अपन ने क्लिक कर दिया लेकिन थोड़ी देर बाद क्लोज होगा। कुछ अपन ने ओपन किया, जैसे हमने डबल क्लिक किया इसको ओपन किया तुरंत ओपन हो गया, लेकिन अगर रैंक कम होती तो धीरे धीरे ओपन होता। ठीक है, तो ये रहता है रैम का काम। आप रैम का काम क्या रहता है, स्पीड देती है और कंप्यूटर को डिस्प्ले देती है, यानी कि अगर रैम में कुछ खराबी आ गई तो क्या होगा, आपके सामने ये जो डिस्प्ले दिख रही है, मतलब ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन दिखना बंद हो जाता है। आपका कीबोर्ड माउस सब कुछ सही है, सब में लाइट भी आएगी लेकिन आपको उस पर दिखेगा नहीं, तो समझ लीजिए कि आपकी रैम में कुछ खराबी है, रैम में नमी आने के कारण है। कुछ भी अपन इसको निकाल कर साफ करके लगा देते हैं तो वो सही काम करने लगता है। ठीक है, और क्या करती है स्पीड, यानी कि आपका जो भी आप इसमें अभी वर्क कर रहे हो वो सब काम से हो रहा है, सॉरी रैम में वर्क हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ से एक्सेल खोला तो ये सब कहाँ पे, अभी इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं ये सब कहाँ पे हो रहा है, रैम के अंदर वर्क हो रहा है। ठीक है, बस इसका यही काम होता है, ये आप जो भी काम करते हो वो रैम में हो रहा है, और इसके अलावा आप इसमें जो भी इसको आपको डिस्प्ले दे रहा है वो सब रैम। ठीक है, तो ये रहता है रैम। आपको आपसे अगर कोई पूछता है कि रैम क्या है तो आप बोलोगे रैम का फुल फॉर्म मेमोरी, इसका काम होता है कंप्यूटर को डिस्प्ले देने का काम करती है और कंप्यूटर को स्पीड देने का काम करती है। यही काम मोबाइल में होता है, सेम यही काम इसमें होता है। अब आप मोबाइल में दूसरी चीज क्या देखते हो, स्टोरेज, स्टोरेज देखते हो कि कितना स्टोरेज है, आप इसमें कितनी चीजें सेव कर सकते हो, फोटो वीडियो या फिर और भी चीजें, तो वो भी इसमें भी होता है कंप्यूटर में। स्टोरेज भी आपको चेक करना है तो वो भी आप कौन से करोगे, जिस पीसी से, जिस पीसी के ऊपर अपन राइट क्लिक करते हैं, आपके सामने ये जो ड्राइव दिख रही है सी से लेकर लास्ट तक, ये जो सभी ड्राइव्स दिख रहे हैं ये सब, इन सभी में आपका स्टोरेज, मतलब आपके पूरे कंप्यूटर का टोटल स्टोरेज इनमें। आपको भले ही यहाँ पर ये जो बाहर डेस्कटॉप दिख रहा है, आपको ये बाहर ड्राइव दिख रहा है, लेकिन ये भी सी ड्राइव की मेमोरी ही यूज करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको जितने भी आप कहीं पर भी कुछ भी फोल्डर बनाते हैं वो सभी इन्हीं ड्राइव की मेमोरी यूज करते हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे वो सभी आपको यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होते हैं। आपके कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल है वो सब सी ड्राइव के अंदर है, और डेस्कटॉप किसकी मेमोरी लेता है, सी ड्राइव की, और ये जो आपको 6 फोल्डर दिख रहा है ये भी किसकी मेमोरी लेता है, सी ड्राइव की। बाकी डी और अदर कोई सी भी ड्राइव होती है उनमें अपन क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा जो भी सेव करते हैं वो सब अपन इसमें इन बाकी सभी ड्राइव्स में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके कंप्यूटर में आपको 6 ही ड्राइव मिले, आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर के स्टोरेज पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ड्राइव चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आपको ये बताया था, वो एक अलग चीज है, आपको सिर्फ रैम के बारे में जानना है तो आप जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज पर जाकर रैम के बारे में जान सकते हो। आपके कंप्यूटर की विंडो कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर शो करा देगा, आपका प्रोसेसर वगैरह किस कंपनी का है, कौन सा है, वो भी आपको यहाँ पर शो करा देगा। अब अपन को देखना है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है, जो भी अपन जिसमें भी सेव करते हैं कोई चीज उसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे स्टोरेज, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। आपने गोल सीडी देखी होगी जिसमें अपन कोई भी गाने वगैरह मूवी वगैरह रहती है, अब तो पेन ड्राइव में आने लगी तो वो कम हो गया, लेकिन आपने देखी होगी उसी टाइप की एक मोटी सी वो रहती है, मतलब सीडी की जैसी एक मोटी सी सीडी रहती है, एक वो चौकोर बॉक्स में रहती है, उसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क। वो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हम डाल रहे हैं हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क इस टाइप की रहती है, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक सीडी दिख रही है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, और एक चौकोर यहाँ पर इसका बॉक्स होता है, ठीक है। बंद होने के बाद इस तरह से दिखती है, ये आपको खुली हुई है इसलिए इस तरह से दिख रही है, तो इसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो ये क्या रहता है, अपने कंप्यूटर के आपका जो सीपीयू है उसमें लगी रहती है। आप अपने कंप्यूटर में जो भी चीजें सेव करते हैं वो सब यहाँ पे इसके अंदर सेव होती है, ठीक है। तो आपको चेक करना है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितनी है, यानी कि स्टोरेज कितना है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, आप जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे मैनेज ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ से आप मैनेज पर जाने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे इस तरह से, इसमें आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट पर। अपन क्या देख रहे हैं, हार्ड डिस्क। तो डिस्क मैनेजमेंट पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी जो भी ड्राइव्स हैं आपकी, हमने अभी आपको बताया था कि आपका पूरा स्टोरेज कहाँ पे रहता है, अपनी जितनी भी ड्राइव्स रहती है उनके अंदर रहता है, सी ड्राइव डी ड्राइव। तो यहाँ पे भी आपको ये सभी ड्राइव्स का स्टोरेज शो करा रहा है, ठीक है। इसमें एक एसएसडी लगी है इसलिए इस तरह से अलग से शो करा रहा है। एक हार्ड डिस्क का पूरा आपको यहाँ पर ये स्टोरेज चेक कर रहा है, यहाँ पे टोटल स्पेस बता रहा है कितना है, एक का कितना है वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है। देखिए ये एफ ड्राइव है, ये और अदर कोई सी ड्राइव है, ये इस तरह से आपको अलग अलग देखना है। ये टोटल स्पेस इसका ये बता रहा है और टोटल ये बता रहा है, इन दोनों को आप टोटल कर लेंगे तो आपको पता लग जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके सिस्टम में, आप नीचे जब रिविजन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर शो करा है, ठीक है। लेकिन ये जरूर शो करा है, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्लोज कर रहा है, यहाँ से देख सकते हो। दूसरा, आप जिस पीसी के अंदर जाइए, यहाँ पे ये जो आपको डिस्क दिख रही है, यहाँ पे ड्राइव दिख रही है, इनका आप स्टोरेज चेक करना चाहते हैं, सेम यही चीज वहां पे आप देख रहे हैं। सी ड्राइव, माउस पॉइंटर लेकर जाइए, नीचे वो बता रहा है फ्री स्पेस और टोटल साइज, और इसके नीचे भी बता रहा है ये कितना इस पे खाली है, आपको डिटेल्स में देखना है। तब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पर। ये सिर्फ किसका बता रहा है, सिर्फ अकेली सी ड्राइव का बता रहा है, बाहर से अपन ने किसका देखा था, सभी का, ठीक है। यहाँ से ये बता रहा है यूज स्पेस, यानी कि इतना स्पेस आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हो, और ये फ्री स्पेस यानी कि इतना आपका खाली है, ठीक है। ये बता रहा है इतना 71.6 GB इसका आप यूज कर रहे हो, भर चुका है इतना और इतना खाली, और टोटल स्पेस इसका कितना है, ये 111 GB। और यहाँ पर ये आपको ग्राफ में भी शो करा रहा है कि इतना आपका ये खाली है और इतना स्टोरेज आपका भर चुका है, आ जाएगा। अब आप इस तरह से देख लो कि सिर्फ अपन ने सी ड्राइव का देखा, अब आपको अदर किसी ड्राइव का देखना, आप सभी के ऊपर राइट क्लिक करके इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर उसका नाम शो कराएगा आपको, आ जाएगा। अब आपको आपको पता लगाना है कि टोटल स्पेस कितना है, तो सभी का जो टोटल टोटल स्पेस है इसका 111 GB है, इसका 39 GB है, और इसका MB में है, बहुत कम है इसका, ठीक है। और इसका GB में, इन सभी को आप टोटल टोटल स्पेस को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपके कंप्यूटर का पूरा टोटल स्पेस कितना है। यहाँ से आपको अलग अलग करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप एक बार में ही देख सकते हैं। अपन राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पर जाएंगे, यहाँ पे जाकर आप एक बार में ही चेक कर सकते हैं कि टोटल स्पेस कितना है, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ से आपको टोटल स्पेस बता दो, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, हमने यहाँ पर एक्सेल की फाइल है, कोई भी फाइल खोल, ठीक। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो काम कर रहा है ये पूरा हमारा किसमें चल रहा है, रैम। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे, सेव कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, आपकी स्टोरेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपना काम हो जाएगा हार्ड डिस्क में। जैसे कि आप मोबाइल से कोई फोटो खींचते हो, जब तक आप कैमरे को यहाँ पे रखे हो वो आपका काम हो रहा है, जैसे ही आपने उस पर क्लिक कर फोटो खींचकर आपका मोबाइल में आ गया, तो वो क्या हो गया, आपके हार्ड डिस्क में यानी कि स्टोरेज में चला गया, आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम आपसे कल पूछेंगे कि रैम के बारे में बताएं, एक बार और बता देते हैं, आपको क्या बताना, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम मेमोरी, ये कंप्यूटर को डिस्प्ले रैम देने का काम करती है और स्पीड देने का काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, बाकी सभी पॉइंट्स हमने आपको बता दिए है ना, जो आपके छूट रहा है वो आप धीरे धीरे कवर कर लेना। जैसे कि आज आपका ये हो गया, आप रिवीजन करोगे, इसका रिवीजन करोगे, पहले आपने जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, फिर इसके बाद जो आपका छूट गया है वो आप उस पे करो। जैसे कि आपको ये, हमने आज ये वाला पॉइंट बता दिया, पहले आपने इसका रिविजन